नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, एक और जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को झटका पर झटका लग रहा है। बता दें कि एक और जहां पहले अनिल शर्मा ने पार्टी छोड़ा, तो वहीं अब दूसरे बिहार के प्रदेश प्रवक्ता ने अब पार्टी छोड़कर बिहार में एक और बार फिर से कांग्रेस को झटका दे दिया है। बता दें कि एक और जहां कांग्रेस चुनाव की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेता पार्टी में त्याग पत्र देकर कांग्रेस को झटका पर झटका दे रहे हैं। ऐसे में अब आपको बता दें कि अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अश्वथ नाथ तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने रविवार को कांग्रेस को बाय बाय कर दिया था। अश्वथ नाथ तिवारी ने अपना त्याग पत्र प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को भेज दिया है। उन्होंने इसके पीछे कोई खास कारण नहीं बताया, कहा कि नितांत व्यक्तिगत वजह से पार्टी की जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जितने दिनों तक कांग्रेस में रहा, बेहतर अनुभव हासिल किया, सभी पार्टी जनों का सहयोग मिला। पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने किसी भी नेता पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। बता दें कि 2020 के लोकसभा चुनाव में अर्शद तिवारी कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी थी। अश्वथ नाथ तिवारी का त्याग पत्र कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जितनी मजबूती से वो मीडिया या अन्य मंचों पर अपनी पार्टी को डिफेंड करते थे, वैसे नेताओं की कमी है। अश्वथ नाथ तिवारी ने अपना अगला कदम नहीं बताया है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी पार्टी छोड़ी तो बीजेपी में चले गए। आजकल कांग्रेस पर जमकर हमलावर हैं। इससे पहले रविवार को बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव के समय बिहार में कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोह भंग होना पार्टी के लिए खतरनाक संकेत है। दरअसल अनिल शर्मा अनदेखी से नाराज थे। उन्हें काफी समय से संगठन में कोई बड़ा पद नहीं मिला। उन्होंने महागठबंधन में रहते हुए जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा था कि जब से आरजेडी का कांग्रेस से गठबंधन हुआ, तब से इस गठबंधन का विरोध करता आया हूं। आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन करना आत्मघाती कदम है। लालू यादव के कारण कांग्रेस बिहार में वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई है।